नमस्कार दोस्तों, एम्पियन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं मनोज प्रेम नारायण। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 24 से लेकर 31 मार्च 2021 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस नहर के दक्षिणी छोर के पास खराब मौसम के कारण हुई दुर्घटना की वजह से एवर गिवन नामक एक बड़ा मालवाहक जहाज फंस गया। रिसेंटली अ लार्ज कार्गो वेसल नेम्ड एवर गिवन गॉट स्टक ड्यू टू एन एक्सीडेंट कॉज्ड बाय बैड वेदर नियर द साउदर्न एंड ऑफ विच कैनाल। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्वेज कैनाल। यही देखिए मालवाहक जहाज जो कि फंस गया था, इसकी वजह से इस नहर के दोनों छोरों पर जहाजों का जमावड़ा लग गया। स्वेज नहर एक कृत्रिम यानी कि मैन मेड समुद्र स्तरीय जलमार्ग है, वाटरवे है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहते हुए भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी को रेड सी यानी लाल सागर से जोड़ता है। यह नहर अफ्रीका को एशिया महाद्वीप से अलग करती है। इसे नवंबर 1869 में नौ परिवहन के लिए खोला गया था। 150 साल पुरानी इस नहर को शुरुआती वर्षों में ब्रिटिश और फ्रांसीसियों द्वारा नियंत्रित किया गया था, लेकिन 1956 में मिस्र द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। स्वेज नहर में रुकावट के कारण किस देश में स्थित केप ऑफ गुड होप के माध्यम से जहाज़ों के पुनः संचालन के लिए एक वैकल्पिक मार्ग की खोज की गई थी। ड्यू टू ब्लॉकेज इन द स्वेज कैनाल एन अल्टरनेटिव रूट हैड बीन डिस्कवर्ड फॉर द री ऑपरेशन ऑफ शिप्स थ्रू केप ऑफ गुड होप लोकेटेड इन विच कंट्री। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ये दक्षिण अफ्रीका में है। मैप में देखेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे जो साउदर्न पार्ट है वो साउथ अफ्रीका है, वहीं पर है ये केप ऑफ गुड होप, यानी जहाज को इस तरह से ऐसे करके लेके जाया गया। केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका के केप महाद्वीप यानी केप पेनिनसुला पर अटलांटिक के तट पर एक चट्टानी हेडलैंड है। हेडलैंड का मतलब होता है प्रायद्वीप का एक प्रकार है। यह सागर में भूमि का एक उभरा हुआ भाग होता है जो तीन ओर पानी से घिरा होता है। केप ऑफ गुड होप मार्ग पूर्वी एशिया और यूरोप को अफ्रीका के दक्षिणी भागों से जोड़ता है। 1869 में स्वेज नहर का संचालन शुरू होने से भूमध्य सागर से हिंद महासागर की दूरी काफ़ी कम हो गई, जिसके चलते अफ्रीका के आसपास से होकर जाने वाले लंबे मार्ग का उपयोग कम हो गया। जानवरों हेतु संचालित भारत के पहले पशु चिकित्सा एम्बुलेंस नेटवर्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? विच स्टेट विल सेट अप इंडियाज फर्स्ट एनिमल वेटनरी एम्बुलेंस नेटवर्क? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। राज्य के लोगों को घर पर पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने की तर्ज पर सभी विधानसभा क्षेत्रों में कुल 175 मोबाइल एम्बुलेंस यानी पशु चिकित्सा क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे। ये मोबाइल एम्बुलेंस पशु चिकित्सा प्राथमिक उपचार सेवाएं प्रदान करेंगी और इसमें आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए भी सुविधाएं मौजूद होंगी। वर्ष 2020 के व्यास सम्मान हेतु किसका चयन किया गया है? हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द व्यास सम्मान फॉर द ईयर 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ये है शरद पगारे। यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन की ओर से 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ हिंदी की साहित्यिक कृति को दिया जाता है। प्रोफेसर पगारे को इनके उपन्यास पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, जिसका प्रकाशन 2010 में किया गया था, के लिए 2020 के व्यास सम्मान हेतु चुना गया है। ये मध्य प्रदेश के खंडवा के रहने वाले हैं। सरस्वती सम्मान 2020 का पुरस्कार किसे दिया गया है? हु हैज बीन गिवन द अवार्ड ऑफ सरस्वती सम्मान 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इनका नाम है शरण कुमार लिंबाले। जाने माने मराठी लेखक डॉक्टर लिंबाले को 30वें सरस्वती सम्मान पुस्तक सनातन के लिए दिया जा रहा है। ये भी के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। डॉक्टर लिंबाले की यह पुस्तक 2018 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में दलित संघर्ष के महत्वपूर्ण सामाजिक और ऐतिहासिक दस्तावेजों का संग्रह है। दोस्तों, 67वीं यूपीएससी 2021 प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जरूरी साल भर के करंट अफेयर्स को यानी नवंबर 2020 से लेकर अक्टूबर 2021 तक के करंट अफेयर्स को आप मात्र 15 घंटे में पूरा रिवाइज कर सकते हैं। कैसे? एम्पियन अकेडमी के करंट अफेयर्स पीडीएफ से, और ये काफ़ी ऑथेंटिक है। देखिए कैसे, वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज आप सभी जान रहे हैं, एम्पियन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का एमसीक्यू जारी होता है। इसमें कुल 50 पीडीएफ मिलेगा, 12 महीने का 48 पीडीएफ, एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट। तो हर एक पीडीएफ में आपको लगभग 6 मिनट का समय लगेगा।
तो कुल 5 घंटे में आप वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज पूरे साल भर के रिवाइज कर सकते हैं। उसी के साथ साथ मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स हिंदी में जारी होता है PDF केवल, ये इसका वीडियो जारी नहीं होता है, नेशनल और इंटरनेशनल वर्सन का। इसमें आपको 12 महीने का 12 PDF मिलेगा। एक PDF में आपको 25 मिनट का समय लगेगा, यानी कुल समय लग गया इसमें भी 5 घंटे। उसी प्रकार से बिहार करंट अफेयर्स आपको मंथली PDF मिलेगा, 14 PDF मिलेगा, 12 महीने का 12 PDF और साथ साथ में एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट का, तो 22 मिनट लगेगा लगभग एक PDF में। तो इस प्रकार से इसमें भी लगभग 5 घंटे का समय लगेगा, यानी करंट अफेयर टेस्ट सीरीज वीकली वाला इसमें 5 घंटे, मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स इसमें भी 5 घंटे, और बिहार मंथली करंट अफेयर्स इसमें भी आपको 5 घंटे का वक्त लगेगा। कितना ऑथेंटिक है ये, इससे आप देख सकते हैं कि 66वीं UPSC प्रीलिम्स में वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज से 19 प्रश्न आए हैं। उसी प्रकार से मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट से 7 प्रश्न आए हैं 66वीं UPSC प्रीलिम्स एग्जाम में, और बिहार मंथली करंट अफेयर से 10 प्रश्न आए हैं। इस प्रकार से कुल 36 प्रश्न हमारे MPN अकेडमी के करंट अफेयर्स के PDF से टैली हुए हैं 40 में से, यानी 90% स्ट्राइक रेट रहा है इस बार। दोस्तों ये PDF आपको मिलेगा कैसे? संपूर्ण व्याख्या के साथ करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए आपको मात्र ₹600 का एक बार वन टाइम पेमेंट करना है, और आपको सारे PDF वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स और बिहार मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। तो किस प्रकार से पेमेंट करना है, बैंकिंग डिटेल दिया हुआ है, प्रियंका कुमारी के नाम से अकाउंट है, यहाँ पर आई नहीं है, ध्यान में रखिएगा प्रियंका में, और IFC कोड अकाउंट नंबर दोनों दिया गया है। पेटीएम फ़ोनपे या UPI से पेमेंट करना चाहें तो नंबर दिया गया है 7366000556। गूगल पे से भी पे कर सकते हैं, सेमी नंबर है, निशा रानी के नाम से अकाउंट रहेगा गूगल पे पे। आपको करना क्या है, ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट को टेलीग्राम नंबर सेमी नंबर है 7366000556 पे भेज देना है। आपको पैड टेलीग्राम ग्रुप MPN अकेडमी प्रीमियम में ऐड कर दिया जाएगा। यदि आपको टेलीग्राम पे ये नंबर नहीं मिल रहा है तो व्हाट्सअप सेमी नंबर है, इस पे मैसेज कीजिए, आपको जोड़ दिया जाएगा, वहीं पर आपको PDF भी मिलना शुरू हो जाएगा। एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ SMEs बैंक किसे चुना गया है? Which bank has been chosen as the best SMEs bank of India at the Asia Money Best Bank Awards 2021? The right answer is option number D. यह अवार्ड मिला है HDFC बैंक को। हांगकांग में स्थित वित्तीय पत्रिका के वार्षिक सर्वश्रेष्ठ बैंकों के सर्वेक्षण का उद्देश्य पिछले 12 महीनों में प्रत्येक बाजार में कौन से बैंक ने कोर बैंकिंग गतिविधियों की श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। HDFC बैंक को पिछले कुछ वर्षों में अपने सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम यानी MSMEs के कारोबार में बदलाव ने इसे इस पुरस्कार के लिए योग्य बनाया है। कुछ और अवार्ड्स जो दिए गए थे अन्य बैंकों को, उसको भी देख लेते हैं। इंडियाज बेस्ट डोमेस्टिक बैंक 2021 का ये पुरस्कार मिला है कोटक महिंद्रा बैंक को। इंडियाज बेस्ट कॉरपोरेट एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, ये भी कोटक महिंद्रा बैंक को। इंडियाज बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 का ये मिला है DBS बैंक को। इंडियाज बेस्ट डिजिटल बैंक ये एक्सिस बैंक को, और इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर CSR एक्टिविटीज़ यह है RBL बैंक। न्यूजीलैंड किसी भी स्थिति में गर्भपात के शिकार हुए कर्मचारियों को पैड लीव देने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। इस तरह के कानून वाला दुनिया का पहला देश कौन है? न्यूजीलैंड हैज़ बिकम द सेकेंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू गिव पैड लीव टू वर्कर्स हु हैव सफर्ड मिसकैरेज इन एनी केस। विच इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव सच ए लॉ? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पहला देश है इस तरह का भारत। 24 मार्च को सांसदों ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, यानी न्यूजीलैंड में अब प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी अवस्था में गर्भपात होने पर कानून के तहत कर्मचारियों को 3 दिन का अवकाश मिल सकेगा। द बेरवमेंट बिल के टाइटल से नया कानून उन माता और उनके पार्टनर जो गर्भपात या स्टिल बर्थ से पीड़ित हैं उन्हें 3 दिन की पेड लीव देता है। ध्यान में रखिएगा कि न्यूजीलैंड महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश भी है। भारत और पाकिस्तान के मध्य अस्थायी सिंधु आयोग की 116वीं बैठक हाल ही में कहाँ पर आयोजित की गई है? रिसेंटली वेयर वॉज द 116th मीटिंग ऑफ परमानेंट इंडस कमीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान हेल्ड एट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। अंतिम बैठक अगस्त 2018 में लाहौर में आयोजित की गई थी। विगत वर्ष की बैठक मार्च 2020 में ही नई दिल्ली में आयोजित होनी थी, लेकिन COVID-19 महामारी के मद्देनजर इसे रद्द कर दिया गया था। सिंधु प्रणाली में मुख्यतः सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदियां शामिल हैं। इन नदियों के बहाव वाले क्षेत्र यानी बेसिन को मुख्यतः पाकिस्तान और
भारत साझा करते हैं। इसका एक छोटा हिस्सा चीन और अफगानिस्तान को भी मिला हुआ है। यह समझौता 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच इस नदियों के जल के विभाजन को लेकर हुआ था। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? हु हैज बीन कन्फर्ड विद द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द 66th फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ये पुरस्कार मिला है तापसी पन्नू को फिल्म थप्पर के लिए। इस अवार्ड्स का आयोजन 27 मार्च को मुंबई में किया गया। इस सेरेमनी में साल 2020 में रिलीज हुई फिल्मों को सम्मानित किया गया। थप्पर ने बेस्ट फिल्म, बेस्ट कहानी और एडिटिंग का अवार्ड भी जीता है, जबकि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है तानाजी द अनसंग वॉरियर अजय देवगन की फिल्म के डायरेक्टर ओम रावत को। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? हु हैज बीन कन्फर्ड विद द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द 66th फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ये पुरस्कार मिला है दिवंगत अभिनेता इरफान खान को फिल्म अंग्रेजी मीडियम के लिए। साथ ही इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड मिला है दिल बेचारा, जो कि दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म थी, के लिए फराह खान को। दुनिया की पहली शिप टनल यानी जहाज सुरंग का निर्माण किस देश में किया जाएगा? द वर्ल्ड्स फर्स्ट शिप टनल विल बी बिल्ट इन विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे में। स्टेड हाई प्रायद्वीप में पहाड़ों के नीचे स्टेड शिप टनल बनाने की योजना है। तस्वीर में इस तरह से देखिएगा, ये इस तरह से जाएगा और इसी के बीच से ऐसे करके टनल बनेगा। यह टनल 1700 मीटर लंबी, 37 मीटर ऊंची और 26.5 मीटर चौड़ी बनाई जाएगी, जिसका निर्माण कार्य 2022 में शुरू होगा और 2025 से 26 तक पूरा होने की उम्मीद है। इसमें लगभग $315 मिलियन का खर्च आएगा। किस शहर में स्थित एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन को आम जनता और पर्यटकों के लिए खोला गया है? इन विच सिटी एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन हैज बीन ओपन्ड फॉर जनरल पब्लिक एंड टूरिस्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। यह है श्रीनगर में। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में विश्व प्रसिद्ध डल झील के किनारे पर जबरवान पहाड़ियों की घाटी में स्थित गार्डन में ट्यूलिप के रंग बिरंगे फूलों का इंद्रधनुष लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तस्वीर में देखिए कितनी सुंदर फूलों की तस्वीर है। कश्मीर के इस प्रतिष्ठित ट्यूलिप गार्डन में इस वर्ष 64 से अधिक किस्म के 15 लाख से अधिक ट्यूलिप पौधे मौजूद हैं। लगभग 30 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को 2017 में कश्मीर घाटी में फूलों की खेती और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। भारतीय तटरक्षक जहाज वज्र को कहां पर औपचारिक रूप से सेवा में शामिल कर लिया गया है? वेयर इज द इंडियन कोस्ट गार्ड शिप वज्र फॉर्मली इंडक्टेड इनटू सर्विस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई में। यह तटरक्षक जहाज लार्सन एंड टुब्रो द्वारा निर्मित 7 ऑफशोर पेट्रोल वेसल की श्रृंखला में छठे स्थान पर है। 98 मीटर के इस तटरक्षक जहाज को अत्याधुनिक नेविगेशन एवं संचार उपकरण, सेंसर और मशीनरी आदि से सुसज्जित किया गया है। यह समुद्र जहाज में तेल रिसाव की स्थिति में प्रदूषण प्रक्रिया उपकरण ले जाने में भी सक्षम है। मिताली एक्सप्रेस नामक यात्री ट्रेन की शुरुआत भारत और किस देश के बीच की गई है? द पैसेंजर ट्रेन नेम्ड मिताली एक्सप्रेस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश के ढाका और पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी को आपस में जोड़ने वाले इस यात्री ट्रेन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की समकक्ष शेख हसीना ने 27 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। दोनों पड़ोसी देशों के बीच चलने वाली मैत्री एक्सप्रेस, जो कि ढाका से कोलकाता के बीच में चलती है, और बंधन एक्सप्रेस, जो कि खुलना से कोलकाता के बीच में चलती है, इसके बाद यह तीसरी ट्रेन है। रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कार्य किस देश में किया जा रहा है? इन विच कंट्री इज द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट इज अंडर प्रोसेस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश की सरकार पद्मा नदी के पूर्वी हिस्से में स्थित रूपपुर में अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बना रही है। इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 2 इकाइयां शामिल होगी, रूपपुर यूनिट 1 और रूपपुर यूनिट 2, और इन दोनों की क्षमता 1.2 गीगावाट होगी। वैसे इस परियोजना की शुरुआत 2013 में हुई थी और इसका निर्माण कार्य 2017 में शुरू हुआ था। न्यूज़ में भी क्यों है, भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने सूचित किया है कि भारत बांग्लादेश
को दी गई क्रेडिट लाइन के हिस्से के रूप में रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए ट्रांसमिशन लाइनों के विकास में सहायता देगा। दक्षिण पूर्व एशिया को अंडर वाटर इंटरनेट केबल के जरिए उत्तरी अमेरिका से जोड़ने के लिए गूगल ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? विद विच कंट्री हैज़ गूगल टाइड अप टू कनेक्ट साउथ ईस्ट एशिया विथ नॉर्थ अमेरिका वाया अंडर वाटर इंटरनेट केबल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, फेसबुक के साथ समझौता हुआ है। दो नए अंडर वाटर इंटरनेट केबल स्थापित करने की योजना है, तस्वीर में देखेंगे आप तो इसी तरह से ये दक्षिण पूर्व एशिया है और ये उत्तर अमेरिका है, यानी प्रशांत महासागर के थ्रू से ये दोनों केबल जोड़े जाएंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य सिंगापुर और इंडोनेशिया में और अधिक तेज गति से इंटरनेट की सुविधा प्रदान करना है। इसमें पहली अंडर वाटर केबल परियोजना एको है जो कि सिंगापुर को प्रत्यक्ष तौर पर अमेरिका से जोड़ेगी, जबकि दूसरी अंडर वाटर केबल परियोजना उसका नाम है बिफ्रोस्ट जो कि दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र को अमेरिका के पश्चिमी तट से जोड़ेगी और इस परियोजना को फेसबुक द्वारा क्षेत्रीय कंपनियों के सहयोग से पूरा किया जाएगा। केंद्र सरकार ने भविष्य निधि यानी पीएफ पर ब्याज को कर मुक्त रखने के संबंध में कर्मचारी के अधिकतम वार्षिक योगदान की सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रेज्ड द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टैक्स एग्जेम्प्ट कंट्रीब्यूशंस टू द प्रोविडेंट फंड फ्रॉम 2.5 लाख रुपीज टू हाउ मच? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इसे कर दिया है 5 लाख रुपये तक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 को संसद में पेश 21-22 के बजट में घोषणा किया था कि 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्त वर्ष में कर्मचारियों के पीएफ में सालाना 2.5 लाख रुपये से अधिक के योगदान पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगेगा, जिसे बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। यह रियायत ऐसे मामलों में है कि 5 लाख रुपये तक के योगदान में नियोक्ता यानी कंपनी का योगदान शामिल नहीं होगा, क्योंकि नियोक्ता यानी कंपनी का योगदान कर्मचारी के मूल वेतन के 12% तक ही सीमित है। किस राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा कैन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? एन MOU हैज बीन साइंड बाय चीफ मिनिस्टर्स ऑफ विच टू स्टेट्स टू इम्प्लीमेंट द कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। नदियों को आपस में जोड़ने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना की पहली परियोजना है। इन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को लागू करने के लिए दोनों राज्यों द्वारा विश्व जल दिवस के अवसर पर केंद्र के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए नीचे कि विश्व जल दिवस यानी वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है। कैन बेतवा लिंक परियोजना नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मध्य प्रदेश की कैन नदी के अधिशेष जल को बेतवा नदी में स्थानांतरित करना है। इस परियोजना में 77 मीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा धौधन डैम और 230 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण कार्य शामिल है। डेब्यू वनडे इंटरनेशनल मैच में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? हु हिट द फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी एवर बाय डिपेंडेंट इन ODI क्रिकेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ये बन गए हैं कृणाल पांड्या। इन्होंने न्यूजीलैंड के जॉन मॉरिस जिन्होंने 35 गेंदों में यह रिकॉर्ड बनाया था उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इन्होंने मात्र 26 गेंदों में यह 50 का रन पूरा किया है। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के पहले वनडे में 7वें पायदान पर बल्लेबाजी करने उतरे कृणाल ने अपनी पारी में कुल 31 गेंदों पर 58 रन बनाए, जिसमें 26 गेंदों में उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। किस शहर में शहीद अशफाकुल्ला खान चिड़ियाघर का उद्घाटन किया गया है? यूनिवर्सिटी शहीद अशफाकुल्ला खान जू हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया। यह राज्य के पूर्वांचल क्षेत्र में पहला और सबसे बड़ा तथा उत्तर प्रदेश में तीसरा चिड़ियाघर है। इस परियोजना की परिकल्पना 2011 में की गई थी लेकिन परियोजना को पूरा नहीं किया जा सका। 2017 में इसको शुरू किया गया था और अब ये पूरा हो गया है। चिड़ियाघर में अधिकांश जानवरों को लखनऊ और कानपुर के चिड़ियाघर से लाया गया है। साथ ही इस चिड़ियाघर में इसराइल से एक जेब्रा लाया गया है। इस चिड़ियाघर का नाम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी अशफाकुल्ला खान के नाम पर रखा गया है। 22 अक्टूबर 1900 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जन्मे अशफाकुल्ला खान को काकोरी डकैती में शामिल होने के चलते राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी तथा रोशन सिंह के साथ मौत की सजा दी गई थी। भारत और अमेरिका के विशेष बलों के बीच अभ्यास वज्र प्रहार 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया? इन विच स्टेट वाज द एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2021 ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन द स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड USA? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश।
वज्र प्रहार के 11वें संस्करण का आयोजन चंबा जिले के बकलो में आयोजित किया गया। इस अभ्यास का आयोजन बारी बारी से अमेरिका और भारत में किया जाता है। इससे पहले भारत और अमेरिका नौसेना द्वारा पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में 2 दिवसीय पैसेक्स का आयोजन भी किया गया था। पैसेक्स मीन्स पैसेज एक्सरसाइज। वज्र प्रहार के 10वें संस्करण का आयोजन, यानी पिछला बार इसका आयोजन हुआ था अमेरिका के सिएटल में 2019 में। इस बैंक को 1 से 10 अप्रैल 2021 के दौरान चुनावी बॉन्ड की 16वीं किस्त जारी करने को मंजूरी दी गई। विच बैंक वॉज अप्रूव्ड टू इश्यू द 16th इंस्टॉलमेंट ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स ड्यूरिंग 1 to 10 अप्रैल 2021। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। केंद्र सरकार ने 4 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बीच 30 मार्च को चुनावी बॉन्ड की 16वीं किस्त जारी करने की मंजूरी दी। SBI की 29 अधिकृत शाखाओं के जरिए चुनावी बॉन्ड की 16वें चरण की बिक्री और उसे भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है। योजना के प्रावधान के अनुसार चुनावी बॉन्ड कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है जो भारत का नागरिक हो या यहाँ गठित इकाई यानी कोई बिजनेस एंटिटी हो। वैसे पंजीकृत दल जिन्होंने पिछले विधानसभा या लोकसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट हासिल किया है वे चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के हकदार होते हैं। पहले चरण में चुनावी बॉन्ड की बिक्री 1 से 10 मार्च 2018 को शुरू हुई थी। अच्छा ये बताइए, चुनावी बॉन्ड जब जारी हो जाता है तो उस बॉन्ड की वैलिडिटी कितना होता है, यानी कितने दिन के अंदर उसको भुनाना होता है? प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 40वां रैंक है भारत का टोटल 53 कंट्रीज में से। यह सूचकांक US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। भारत ने बौद्धिक संपदा से संबंधित 50 संकेतकों के एक सेट पर 100 में से 38.4 स्कोर किया है। 2021 की इंडेक्स रिपोर्ट जिसका शीर्षक था रिकवरी थ्रू इंजेनिटी 2020 की तुलना में समग्र वैश्विक IP परिवेश में सुधार दिखाती है, जिसमें IP इंडेक्स द्वारा मापी गई 53 अर्थव्यवस्थाओं में से 32 में सकारात्मक स्कोर प्रदर्शित हो रहा है। इस रैंक को टॉप किया है USA ने और सबसे अंतिम प्लेस पर रहा है वेनेजुएला। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है अभी वर्तमान में? हु इज द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ये है डॉक्टर कृष्ण स्वामी विजय राघवन। न्यूज में क्यों है? केंद्र सरकार ने प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन का कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। इन्हें जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव के रूप में सेवानिवृत्त होने के बाद 2018 में इस पद पर नियुक्त किया गया था। ये जो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का पद है इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। सचिव स्तर की यह स्थिति है वर्तमान में, लेकिन जब यह स्थापित की गई थी तो उस समय एक कैबिनेट रैंक की स्थिति थी और देश के पहले प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बने थे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। केंद्रीय बिजली मंत्री RK सिंह ने 24 मार्च 2021 को ग्राम उजाला योजना की शुरुआत कहाँ से की है? वेयर डिड यूनियन पावर मिनिस्टर RK सिंह स्टार्ट द ग्राम उजाला प्रोग्राम ऑन 24th मार्च 2021? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ये प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी से इसकी शुरुआत की गई है। इसमें उजाला का जो फुल फॉर्म है वो है उन्नत ज्योति बाय एफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल। इस योजना के तहत गाँव में परिवारों को 10 रुपये मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के LED बल्ब उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL की अनुसंगी कंपनी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड CESL वाराणसी के ग्रामीण इलाकों में उच्च गुणवत्ता वाले LED बल्ब का प्रति बल्ब 10 रुपये पर वितरण करेगी। ग्राम उजाला कार्यक्रम के पहले चरण के तहत 5 जिलों के गांवों को 1.5 करोड़ LED बल्बों का वितरण किया जाएगा। तो ये कौन कौन से जिले हैं? ये हैं बिहार का भोजपुर जिला, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश, नागपुर महाराष्ट्र और पश्चिम गुजरात के गाँव में। NCAER के भूमि रिकॉर्ड और सेवाओं के सूचकांक 2020-21 में भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में शीर्ष स्थान किस राज्य को मिला है? विच स्टेट हैज टॉप्ड द लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन इन द NCAER's लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्विसेज इंडेक्स 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इसे टॉप किया है मध्य प्रदेश ने। इसके बाद सेकेंड प्लेस पर रहा है पश्चिम बंगाल, फिर उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। यह निष्कर्ष 2 पहलुओं के आधार पर आया है। इसमें भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण का रिकॉर्ड करना और इसके रिकॉर्ड की गुणवत्ता पर गौर किया गया है।
एक कंफ्यूजन आपको लग रहा होगा यदि आपने मार्च 2021 का बिहार करंट अफेयर्स देखा होगा, तो इस कंफ्यूजन को अगले प्रश्न में दूर किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश तो रहा है नंबर वन पे, बिहार की रैंक रही है 8वां, इसको रहा है 64.8। बिहार के पिछले वर्ष की रैंकिंग थी 23, इसको रहा था मात्र 28.8। इस प्रश्न में कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। NCAER के भूमि रिकॉर्ड और सेवा सूचकांक 2021 में भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में किस राज्य ने सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है? विच स्टेट शोड द मोस्ट सिग्निफिकेंट परसेंटेज जंप इन लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन इन द NCAER's लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्विसेज इंडेक्स 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बिहार। इसने पहला स्थान हासिल किया है प्रतिशत वृद्धि में। भूमि रिकॉर्ड के आधुनिकीकरण और नागरिक केंद्रित सेवाओं की पेशकश करने में बिहार के मजबूत प्रयासों के कारण 2020-21 में इनका कुल स्कोर 64.8 हो गया, जो कि पिछले साल 28.8 था। यानी इसके समग्र स्कोर में 125% की वृद्धि हुई है और इस प्रकार इसने भारत में पहला स्थान हासिल किया है। इसके विपरीत 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह स्कोर 2019-20 में 38.7% से बढ़कर 2020-21 में 45.1% हो गया है। दूसरा स्थान केरल को मिला है, जिसकी प्रगति 99%, और तीसरा स्थान मिला है त्रिपुरा को 70% प्रगति के साथ। माउंट किलीमंजारो किस महादेश का सबसे ऊंचा पर्वत है? माउंट किलीमंजारो इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ विच कंटिनेंट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ये अफ्रीका में आता है। ये अफ्रीका के किस देश में है? प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। तो माउंट किलीमंजारो की ऊंचाई लगभग 5,895 मीटर है। विश्व के 7 सबसे ऊंचे शिखरों में चौथे सबसे ऊंचे माउंट किलीमंजारो को पर्वतारोहियों के बीच काफ़ी लोकप्रिय माना जाता है, क्योंकि इस पर चढ़ाई करना विश्व के सबसे ऊंचे 7 पर्वतों में सबसे आसान है। अभी न्यूज़ में क्यों है, किलीमंजारो पर पर्वतारोही रोहतास खिलेड़ी और अनु यादव, ये दोनों हरियाणा के हैं, ने 24 घंटे रुककर रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय मूल के किस पहलवान को WWE हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है? विच इंडियन ओरिजिन रेसलर हैज बीन इंडक्टेड इनटू द WWE हॉल ऑफ फेम 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, द ग्रेट खली। दिलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली के साथ अंडरटेकर और कैन के भी हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किए जाने की घोषणा की गई है। द ग्रेट खली ने 2006 के अप्रैल में स्मैकडाउन में एंट्री की थी, जिसके बाद वो लगातार 8 साल तक WWE में धमाल मचाते रहे। इस दौरान इन्होंने एक बार हैवीवेट चैंपियनशिप भी अपने नाम किया था। 2017 में एक बार फिर से इन्होंने वापसी की है। अब पहले ऐसे भारतीय होंगे जिनकी एंट्री हॉल ऑफ फेम में होगी। दोस्तों, MPN अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर प्रसारित होने वाले सभी करंट अफेयर्स का संपूर्ण व्याख्या यानी फुल डिस्क्रिप्शन के साथ PDF आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में तो सूचना आपको दी गई है। इसके बारे में और विस्तृत जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर की जा रही है। अंतिम प्रश्न है, क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान किस वर्ष लॉन्च की गई थी? इन विच ईयर वाज द रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान लॉन्च्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इसे लॉन्च किया गया था 2016 में 21 अक्टूबर को, लेकिन योजना की शुरुआत वैसे हुई है 27 अप्रैल 2017 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिमला से दिल्ली की पहली फ्लाइट का उद्घाटन किया था। अभी न्यूज में क्यों है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 30 मार्च को कहा कि क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत कुल 22 नई उड़ानें पिछले 3 दिनों में शुरू की गई। अब तक भारत में 5 हेलीपोर्ट, 2 वाटर एरोड्रोम और 347 मार्गों के साथ 57 अंडर सर्व्ड हवाई अड्डों को ऑपरेशनल बनाया गया है। उड़ान का फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। इस योजना का उद्देश्य साल 2022 तक 3 करोड़ रुपये की टिकट की मात्रा को बढ़ाना है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज राइट डाउन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस।